अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिए सबसे पहले कि किस एज से जो है रिंकल्स शुरू हो जाते हैं मोस्टली पाकिस्तान में? अच्छा जी, रिंकलिंग या एजिंग की बात करें तो ये दोनों साइनोनिमस हैं, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी रिंकलिंग आती जाएगी। अच्छा, व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, अगर आप एक बच्चे की जिल्द को देखें तो वो कितनी प्लम्प हाइड्रेटेड, और अक्सर लोग बच्चों के गालों को खींचते हैं तो कितने इलास्टिक होते हैं कि फौरन से हाथ में आते हैं, रिकॉइल बैक। एग्जैक्टली, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके स्किन के टिश्यूज लूज होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, लचक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्किन में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि कोलेजन, सबने सुना हुआ है इसके बारे में, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड, आजकल स्किन केयर में बड़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ होते थे, हमारी जिल्द के अंदर पाए जाते हैं। पहले तो लोगों को इसके बारे में पता ही कुछ नहीं था, पहले तो लोगों को पता है कि हाइलुरोनिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्किन, आपकी ड्राई को भी टेक्स्चर को नॉर्मल करती है, ये सारी चीज़ें। तो अब फिर भी मगर मुझे लगता है कि रिंकल जो है वो एजिंग प्रोसेस वाला जो सिस्टम है वो सबके ऊपर आता है, तो अब ये किस तरह से बचा जा सकता है इससे, और किस एज से जो है हम इसको तैयारी करना शुरू कर दें कि हमने आगे अपनी स्किन को जो है फ्रेश और बेबी रखना है? देखिए जी, आबे हयात की तलाश तो सभी को है तो अगर आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर दें तो रिंकलिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। एजिंग के प्रोसेस को जैसे स्लो डाउन करें, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनके आप, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल अगर हेल्दी होगा, डाइट, एक्सरसाइज, पोल्यूशन, स्मोकिंग, इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें वाकई असर करती हैं। जैसे एजिंग का प्रोसेस स्लो होगा वैसे रिंकलिंग का प्रोसेस भी स्लो होगा। किस एज से, आपने ये भी बताना था कि किस एज से शुरू जाती है? अच्छा, अब ये है कि जैसे जैसे बॉडी में ग्रोथ का प्रोसेस खत्म हो जाता है वैसे रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब वो ग्रोथ का प्रोसेस अमूमन लोगों में खत्म होना शुरू होता है, यानी कि थोड़ा सा स्लो होना शुरू होता है 20s में जाके। ओके, 20s की अपनी एज में जाके। तो जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं तो लोगों के 20 ईयर्स ऑफ एज में शुरू हो जाने चाहिए। 20 के बाद तो असल जवानी शुरू होती है, वो कहते हैं ना कि 20 के बाद तो खूबसूरती निखरना शुरू होती है, तो उसके बाद वो एहतियात भी शुरू हो जाती है फौरन ही। जी, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाते तो आहिस्ता आहिस्ता जाके ब्रेक लगती है, उसी तरह से एजिंग का प्रोसेस भी ऐसे है कि वो थोड़ा सा लेट जाके होती है। अच्छा, बेसिकली ग्रोथ हार्मोन और कुछ आपके एक्टिव हार्मोन्स बंद हो जाते हैं आफ्टर 25-30, स्लो डाउन हो जाते हैं। एंटी एजिंग को रोकने के लिए कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो खानी चाहिए, चाहे वो कोलेजन की हो या रिंकल्स की हो, वो कौन सी हैं जो देखने वालों को बता सकें? देखिए, आप जो खाते हैं ना वो आपकी स्किन पे नज़र आता है, इट्स लिटरली ट्रू। अगर आपकी डाइट अच्छी रहती है तो आपकी स्किन भी अच्छी रहती है। अब उसमें चीज़ें होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह वाली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि हमें अम्मी कहती थी कि आप हरी सब्जियां खाया करें, दैट्स ट्रू, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मछली में होते हैं, आपके हेल्दी ऑयल्स में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। तो आप अगर अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो इट मीन्स कि आपके रिंकलिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, झुर्रियाँ देर से आएंगी और जो बन रही हैं वो भी स्लो डाउन हो जाएंगी। इसके अलावा लगाने वाली प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हर कोई कहता है कि हम कोई एक सीरम ले आएँ और उससे एक जादू हो जाए और हमारी झुर्रियाँ चली जाएँ। अमूमन लगाने वाली चीज़ों से रिंकलिंग का प्रोसेस स्लो तो हो जाता है, लेकिन जो झुर्रियाँ स्किन में पड़ जाती हैं वो जाती नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमें फिर एक बार झुर्रियाँ आई भी हैं चेहरे पे, अब उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लगा दें वो झुर्रियाँ जाएंगी नहीं, बस उसके आगे का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। स्लो डाउन हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि क्या अलामत होते हैं जैसे हमें पता चल जाता है कि भाई हम रिंकल्स की स्टेज पर जाना शुरू हो गए, हमने अब बचना है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको लोग बता देते हैं कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आनी शुरू होगी, लाइनें आनी शुरू होगी। झूठ भी बोलते हैं लोग, नहीं भी बताते, फिर क्या करें? अच्छा, इसमें ये होता है कि आप जब एक्सप्रेशंस देते हैं, चेहरे के मूवमेंट करते हैं, तो आपके चेहरे पे लकीरें नुमायाँ होती हैं, जैसे कि कुछ लोगों के माथे पे लाइनें और लकीरें बन जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा लड़कियाँ मेकअप करें तो मेकअप जो है उन लकीरों में उनको फंसता हुआ नजर आता है। ओके, और इसके अलावा वो बेकिंग कर रहे होते हैं पाउडर का। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और जब आप स्माइल करते हैं तो स्माइल लाइन्स झुर्रियाँ या फिर आपके चिन के पास लाइन्स से नजर आना शुरू हो जाती है। ये जगह सबसे पहले झलकना शुरू हो जाती है और लाफ लाइंस हैं ये भी बहुत ज्यादा गहरी होना शुरू हो जाती है ना, ये भी मेरे ख्याल से अलामत होती है। तो चेहरे की मूवमेंट से, एक्सप्रेशन से और जिल के ढलकने से रिंकल्स या झुर्रियां नुमाया होनी शुरू हो जाती है। पहले ये छोटी होती है, पतली होती है जैसे कि फाइन लाइंस, और फिर ये गहरी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इनको रोकने के लिए जो ये फिलर्स और बोटॉक्स भी चीजें होती है जिसको मेडिकल फर्म में आप लोग के बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो मुझे इसके बारे में भी बता दें कि कुछ लोग लगा लेते हैं ना ये बोटॉक्स वगैरह, तो जो माथे पे ऐसे आईब्रोज वगैरह है वो यूं मोड़ नहीं सकते, उनकी आईब्रो ऊपर नहीं होती, नीचे नहीं होती, चीक्स वगैरह स्माइल नहीं होता, तो वो इनिशियल स्टेज पे क्या लगा सकते हैं अपनी ऐसी स्टेज पे कि फौरन लगाएं तो वो रुक जाए?
अच्छा हम हमेशा कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है. अब जमाने में प्रिवेंटेटिव बोटॉक्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, यानी कि आप झुर्रियां पड़ने से थोड़ा सा पहले हल्का सा बोटॉक्स यूज करना शुरू कर दें. किस एज में? लेकिन ये 25 एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है, अर्लियर एजेस में रिकमेंडेड नहीं है जब तक के बहुत ज्यादा कोई गहरी झुर्रियां ना पड़ी हो. ठीक है, तो उससे आप एक कंट्रोल तरीके से बड़े अच्छे से इनको नेचुरली इरेज कर सकते विद द हेल्प ऑफ बोटॉक्स. इसके अलावा फिलर होते हैं, लेकिन फिलर बहुत माइन्यूट अमाउंट में थोड़ी मिकदार में करने से बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है. फिलर तो लिप्स के लिए होते हैं ना, ये फिर बाकी फेस के लिए भी काम आता है. जहाँ पर भी झुर्रियाँ हो वहाँ पर आप फिलर यूज कर सकते हैं. ये भी मसल रिलैक्स के लिए होता है, बोटॉक्स मसल रिलैक्स के लिए होता है, क्योंकि जहाँ पर भी झुर्रियाँ एक्सप्रेशन से बन रही हैं, लाइंस बन रही हैं, वहाँ पर बोटॉक्स लगाने से मसल रिलैक्स होते हैं और झुर्रियाँ थोड़ी सी कम वाजे होती हैं. अच्छा, फिर इसके अलावा आप स्किन केयर की बात करें, क्योंकि हर कोई तो बोटॉक्स फिलर्स वगैरह नहीं कर सकता. ठीक है, तो मेरे पास आते हैं पूछते हैं हम क्या इस्तेमाल करें. ठीक है, तो एक तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो कि इस शो पे काफी डिस्कशन भी हमारी रहती है कि धूप जो है आपके चेहरे में झुर्रियां बनाती है. आप कंजेक्टिवली धूप में बैठे रहे तो एक वक्त आएगा आपके स्किन जल्दी बूढ़ी हो जाएगी. ठीक है, सनस्क्रीन लगाएं. इसके अलावा सनस्क्रीन लगाते हैं मगर उनको उसका टाइम पीरियड नहीं पता. मैं चाहूंगी प्लीज बता दें कि अगर हम सुबह सुबह निकले घर से और हमने सनस्क्रीन लगा लिया, आप काम पे जा रही है, मेरी बहनें कॉलेज जा रही हैं बच्चियां, तो उसके लिए वो सनस्क्रीन कितने टाइम तक काम करेगा और दोबारा एप्लीकेशन उसकी रिक्वायर्ड है? बिल्कुल, हर 2 से 3 घंटे बाद आपको रिपीट करना होता है, क्योंकि सिर्फ इतनी देर के लिए ही काम करता है. चेहरे से अगर धुल जाए, वॉश हो जाए, तो दोबारा अप्लाई करना. अच्छा, और ये भी बता दें कि सनस्क्रीन के अलावा जो सीरम्स हैं वो कौन कौन से जो रिंकल्स की रोकथाम के लिए काम आए? सीरम में आपने एक इंग्रेडिएंट ढूंढना है जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट स्किन में तोड़फोड़ का अमल बंद करते हैं और रीजेनरेशन रिन्यूअल का अमल शुरू करते हैं. कोई सा भी सीरम जो ब्रांडेड, अच्छा हम मेडिकेटेड ले रहे हैं बाजार से, उसमें विटामिन सी आप देखें, विटामिन सी देखें. इसके अलावा आप रेटिनॉल देखें. ठीक है, अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उसके हिसाब से पहले बता दें, फिर स्किन ऑयली के हिसाब से बता दें रिंकल्स. विटामिन सी एनीबॉडी कैन यूज, लेकिन एक्नी प्रोन स्किन में थोड़ा सा ध्यान से यूज करते हैं. अच्छा, रेटिनॉल जो है वो थोड़ा सा 25-30 के बाद वाली स्किन में बेहतर होता है. इसके अलावा ड्राई स्किन वालों ने एहतियात से शुरू करना होता है. ठीक है, विद द मॉइस्चराइजर, 1-2 मर्तबा मॉइस्चराइजर के साथ. ठीक है, और उसको आप प्रोलॉन्ग्ड अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो झुर्रियां बंद हो जाएगी आपकी. ठीक है, अच्छा लास्ट में मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि ये किस वक्त लगाना है और क्या विटामिन सी को रेटिनॉल के साथ मिक्स कर सकते हैं? विटामिन सी को और रेटिनॉल को मिक्स नहीं कर सकते, विटामिन सी अलग लगेगा और रेटिनॉल अलग रहेगा. विटामिन सी आप दिन में लगाएंगे, रेटिनॉल आप रात में लगाएंगे. ओके, परफेक्ट. ये जो हमारे जो कोई प्रोडक्ट्स हैं स्किन के, स्पेशली जो एंटी एजिंग क्रीम्स आ गई हैं बहुत सारी, अगर वो हम नेक पे, फेस पे अच्छी तरीके से रात को लगा के सो जाओ, ये जो मसाज होती है, मसाज से भी कहते हैं कि झुर्रियाँ कम हो जाती है, क्या बात सच है या बस ये ऐवें ट्रेंडिंग में बात डाली हुई है सोशल मीडिया पे फजूल? असल में सीरम कोई भी जादू ही नहीं होता, आपको रेगुलर यूज करना पड़ता है और रात को लगा के सोने से वो जज्ब होते हैं स्किन में. सो दैट्स ट्रू. मसाज इज ऑल्सो अनदर थिंग. मसाज आप कंजेक्टिवली अच्छे तरीके से करते रहें तो वाकई एजिंग का प्रोसेस स्लो होता है. अच्छा, रिंकलिंग का प्रोसेस वाकई स्लो होता है. तो जो मसाज के लिए ऑयल है, फेशियल ऑयल्स, वो कौन से यूज कर सकते हैं स्पेशली फॉर द रिंकल्स? आप नेचुरल ऑयल्स की तरफ जाएं, जैसे इसमें तो एंटी एजिंग भी होता है ना कोकोनट, तो डॉक्टर साहब कोकोनट इस्तेमाल कर सकते हैं? कोकोनट ऑयल यूजुअली कोमोडोजेनिक होता है, यानी कि उससे चेहरे पे दाने बनते हैं. ओके, तो हम तो प्योर, कौन सा करें डॉक्टर साहब? प्योर ऑयल हम लगाने को रेकमेंड नहीं करते, आप अच्छा मॉइस्चराइजर लेके उससे मसाज कर सकते. अच्छा, नॉट विद द ऑयल्स, विद द मॉइस्चराइजर. कोई भी अच्छा मेडिकेटेड या मसाज मॉइस्चराइजर्स जो आ गए बॉडी मसाज वाले, वो भी चेहरे पे कर सकते हैं? चेहरे को जरा ख्याल से रखें, ज्यादा बेहतर है, उसके लिए स्पेशल मॉइस्चराइजर होता है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब.